हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरु सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा, नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। जीजे ज्वेलर्स, राजकुमारगंज, मिर्जापुर, दरभंगा, 25% तक की छूट मेकिंग चार्ज पर, डायमंड पर 20% का डिस्काउंट। हर आयोजन को बनाइए खास, करी नाइट्स की पेशकश, शुभ नाइट्स, बैंक्वेट हॉल, बेला मोड़ से आगे, मिथिला फ्लावर मिल के निकट, दरभंगा। नीट में सर्वाधिक रिजल्ट, IITian और डॉक्टर्स द्वारा संचालित ग्रे मैटर खानका चौक दरभंगा लाया है जूनियर एंड जी सेक्शन। देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, तीसरे लहर का खतरा भी सामने मुंहबाए खड़ा है, और ऐसे में जो तस्वीर और जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आश्चर्यचकित कर देगी, चौंका देगी। एक ओर जहां सोशल डिस्टेंस का पाठ पढ़ाया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखने की बात कही जा रही है और मास्क लगाना जरूरी बताया गया है, वह भी एक नहीं दो, लेकिन यह तस्वीर आपको बताएगी कि यहां के लोग कितने सजग हैं, ऐसे भगाएंगे कोरोना को। क्या ऐसे भागेगा कोरोना? यह तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, न केवल बयां करती है बल्कि कई बड़े सवाल भी खड़े करती है। बिहार में मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के ग्रामीण इलाके की यह तस्वीर है। ओझागुनी की मदद से कोरोना को भगाने की कोशिश की जा रही है। गांव में एक ओर जहां वैक्सीन को लेकर अफवाह तेजी से फैल रही है, वहीं अंधविश्वास पर किस तरह लोग विश्वास कर रहे हैं, यह तस्वीर उसकी वानगी है। ओझागुनी की मदद से कोरोना को भगाए जाने के इस तरीके में सैकड़ों लोग शामिल हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, मास्क भी किसी के चेहरे पर नहीं है और सैनिटाइजेशन का तो सवाल ही नहीं। पूरा देश आज कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है, तीसरे लहर का खतरा है। ब्लैक फंगस का खतरा चल रहा है, व्हाइट फंगस भी जोर शोर से दस्तक दे रहा है, और ऐसे में दुकानें भी खुल रही हैं। 10 बजे तक की खुलने वाली दुकानों को दिन भर चोरी छिपे सामान लोग बेच रहे हैं। गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी सुबह 10 बजे तक सरेआम खुली रहती हैं। बिहार की यही तस्वीर है, दरभंगा का भी हाल कुछ ऐसा ही है। पुलिस को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती पूरी तरह से, क्योंकि यह जो भीड़ कोरोना को भगाने के लिए ओझागुनी द्वारा लगाई गई है, ग्रामीणों द्वारा लगाई गई है, इतनी बड़ी भीड़ के इकट्ठा होने की जानकारी पुलिस को न पहले नहीं हुई होगी या फिर आयोजन के दौरान नहीं होगी, यह भी मानने वाली बात नहीं है। तो फिर सवाल बड़ा यह है कि पुलिस कहाँ है? आखिर किस पर जिम्मेवारी है इस तरह के आयोजन को रोकने की? शादियों में बैंड बाजा रोक दिया गया है, डीजे बंद है, लेकिन कहीं कहीं वह भी दिख रहा है। शादियां धड़ल्ले से हो रही हैं, संख्या गिनने वाला भी कोई नहीं है लोगों की, पर भले ही 20 की संख्या में लोगों को आना है, कुल 20 की संख्या में ही लोगों को रहना है, लेकिन इसका भी कोई खाता बही नहीं है। सवाल फिर वही है जो यक्ष प्रश्न की तरह मुंह बाए खड़ा है, क्या इस तरह से भागेगा कोरोना?